हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बाबू के नहाने धोने के बाद से। तो इनको हमने तैयार कर दिया है और उसके बाद में लग गए हैं कपड़े धुलने। खाना हमने बना लिया है और खाना बनाने के बाद में बाबू को नहला दिया था। और बारिश की वजह से बादल इतनी तेज़ हैं कि हमने सोचा कि पहले अभी बर्तन नहीं धुले हैं, सबसे पहले कपड़े ही धुल के डाल देंगे, ताकि कपड़े अगर जो पानी इनका निचुड़ जाएगा तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बादल है। एक बार बूंदी बांदी हो गई हैं और कपड़े धुलने वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो हमने सोचा सबसे पहले कपड़े ही डाल देते हैं धुल के, उसके बाद में दूसरा काम होगा। तो कपड़े हमारे धुल गए हैं, यहाँ ले आए हैं और नीचे, उसके बाद में अभी बर्तन नहीं धुले हैं तो उनको बाद में अब जाकर के कपड़े फैलाने के बाद में ही धुलेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो कपड़े डालने के बाद में लग गए हैं बर्तन धुलने। तो चूल्हे के बर्तन तो काफ़ी टाइम ही लगता है, देर लगेगा कढ़ाई में मंजाने में, और वैसे तो बारिश में ज़्यादा ही कुछ बर्तन ख़राब हो जाते हैं। लोहे के जो बर्तन होते हैं तो उसमें जंग वगैरह बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही लग जाती है, तो टाइम लगता है इनको धुलने में। और बर्तन धुलने के बाद में चलते हैं बाहर का और उसमें देखते हैं, अभी सूखी तो है नहीं और वो सूखेगा भी नहीं, वो कमरा जिसमें हमने मिट्टी लगाया था तो उसमें चलते हैं, फेनी वगैरह लगाना है। तो अब हल्की जहाँ पतली मिट्टी लगाई थी तो वहाँ पर कुछ दराजे जैसे कि हो रही हैं, तो उसमें फेनी लगा देंगे तो वो भर जाएगा, सही रहेगा। तो अभी जहाँ पर मोटा लगाया था वहाँ पर अभी नहीं सूखा, लेकिन धीरे धीरे वो सूखता रहेगा और उसमें थोड़ा थोड़ा काम हमारा चलता भी रहेगा। बाबू अब सुबह ही नहा लेते हैं, तो उनको जब नहा लेते हैं तो यही होता है, पहले तैयार ही कर दें तो अपना खेलेंगे। तो उनको तैयार कर दिया था तो वो अपना खेल कूद रहे हैं, और फिर उसके बाद में कपड़े धुलने के बाद में बर्तन भी हमारे धुल गए हैं। और बर्तन, खाना, बर्तन सारा काम अंदर का हो गया था हमारा, उसके बाद में आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर मम्मी लेटी हुई हैं और हम झाड़ू लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। और ये जो बोरी वगैरह देख रही हैं तो बारिश की वजह से यहाँ पर पड़ी हैं, ताकि मिट्टी इसकी ना कटे। और यहाँ पर जो सामान दिख रहा है ये सारी सामान कमरे की है, जहाँ पर हमने मिट्टी लगाया है। और ये भूसा जो है, इसमें मिट्टी बोरियों में कुछ मिट्टी है और ये भूसा है, आलन जिसको डालते हैं मिट्टी में, तो वही सब सारे सामान यहाँ पर इकट्ठा है। तो जब वो बन जाएगा तो ये मिट्टी वगैरह भी काम लगेगा यहीं पर। तो हम अकेले जैसे घर पर हैं तो अपना थोड़ी थोड़ी निकाल के लगाते बनाते रहेंगे, तो इस वजह से सारी सामान यहीं पर पड़ी हुई है। और ये वाली जो बोरियां हैं तो बस उसी, यानी बारिश की वजह से ही पड़ी हैं, तो इनको फिर से अभी झाड़ू लगाने के बाद में डाल देंगे, नहीं तो बारिश होगी तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी बहती है, कट जाती है, तो गड्ढे हो जाते हैं और मिट्टी फिर से लगानी पड़ती है, इस वजह से बोरियाँ डाल दी जाती हैं, तो यहाँ पर गड्ढे नहीं होते हैं। हमारी दीप्ति राय सिस्टर ने होम टूर के लिए कमेंट किया है, तो मैं सिस्टर होम टूर जल्द ही करवाऊंगी, पर थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए और हम जल्द ही होम टूर करवाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों से बातें करते करते हमारी झाड़ू भी लग चुकी है, और झाड़ू लगाने के बाद में, और बादल तो बहुत ज़्यादा है ही, और ये कपड़े हमारे बारिश की वजह से जो अपने यहाँ से आए थे तब के पड़े हुए हैं, और इनको आज हमने सोचा चलो धुल के डाल देते हैं तो वही डाल दिया था, तो यहाँ पर भी पड़े हैं। और कुछ ऊपर पड़े थे क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं थी, तो हमने सोचा ऊपर डाल देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ नहीं सूखेंगे, वैसे भी बादल बहुत ज़्यादा है। और ये गोबर है तो इसको अंदर रख देंगे, उसके बाद में पानी वगैरह ला करके, और यहाँ पर गोबर इकट्ठा ही कर रहे थे तब बूंदी जा करके पड़ने लगी, तो हम आ गए हैं छत पे क्योंकि इनका जो है पानी निचुड़ गया है। तो हमने सोचा ये देखिए बादल एक बार बूंदी पड़ के चला गया है, जब तक हमने कपड़े उतारे और उतार के नीचे ले गए तब तक जो है बूंदी बांदी होकर के चला गया था।
तो कपड़े हमारे सूखे नहीं थे और उनको हम ऊपर से ले आए हैं क्योंकि पानी उसका जो है निचुड़ गया था। अगर जो पानी ना लाते तो फिर और ज़्यादा गीले हो जाते, इस वजह से ले आए हैं और नीचे खुटियों पे टांग दिया है तो वो सूखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सूख जाएंगे। उसके बाद में सारे सामान यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है उसी कमरे में हम, और यहाँ पर मिट्टी और गोबर की फेनी लगाएंगे। तो इसका जो है फेनी लेप जब लगाएंगे हम, तो जैसे हमने मिट्टी का केवल प्लास्टर किया था उसी प्रकार से इसका भी प्लास्टर ही समझ लीजिए करेंगे, मिट्टी और गोबर का, क्योंकि इसमें जो हल्की हल्की दराजें जिसे दिख रही हैं वैसे ज़्यादा नहीं हुई हैं, जहाँ पर पतली लगाई थी तो वहाँ पर हल्की हल्की हैं, ज़्यादा नहीं हैं। तो ये जो लेप लगा देंगे हम, तो इससे क्या होगा उसमें मिट्टी जब ये भर जाएगा गोबर और मिट्टी का लेप, तो वो दराजे नहीं होंगी। और इसके बाद में इसको लगाने के बाद में ये सूख जाए, उसके बाद में इसको हम मिट्टी से चिकनी, तालाब की जो चिकनी मिट्टी होती है उससे पुताई इसकी कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और पुताई करने के बाद में इसको चूने से कलर कर, चूने से पुताई कर देंगे उसके बाद में। और यहाँ पर दोस्तों हम हमारा ये वैसे यानी कि स्टोर रूम तो है ही, थोड़ा बहुत रखा जाता है, तो इसको हम कुछ बनाना और चाहते हैं, तो आगे जो है आगे की वीडियो में आप सभी लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा जो जहाँ पर यानी कि हम बनाएंगे। वैसे यहाँ पर जहाँ पर हम ये लिपाई कर रहे हैं इसी के पास जो है अलमारी बनाना चाहते हैं, सोच रहे थे जैसे कि बड़ी बड़ी जो टंकी हमारी यानी कि हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचे से बना देंगे, तो इतनी ही जगह में बहुत सारी सामान रखी जाती है तो फिर बिल्कुल जगह नहीं बचती है। तो सोच रहे थे कि यहाँ पर अलमारी ऊपर नीचे तीन कट करके बना देंगे तो ज़्यादा यानी सारी सामान हमारी जो है ऊपर नीचे आ जाएगी तो शायद जगह थोड़ी सी बच जाए, तो इस वजह से यही सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अब अगली वीडियो में आपको जैसे भी बनाएंगे जो कुछ भी बनाएंगे तो फिर वो आपको प्रोसेस ज़रूर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी इस दीवार की हमने फेनी लगा दिया है और यहाँ पर सिर्फ गोबर से लगाएंगे तो जो है भैंसे चरने जाती हैं तो गोबर बहुत ही, गोबर का मेहंदी कलर है और बहुत ही सूखने पर बहुत ही अच्छा लग रहा था ये कलर, तो यहाँ पर केवल गोबर से कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने मिट्टी तो ज़्यादा लगाया नहीं था, पतली पतली लगाया था, तो यहाँ पर दराजे होने का ज़्यादा चांसेस नहीं, ये पुरानी दीवार है और ज़्यादा मिट्टी भी नहीं थी, नहीं तो इसको भी और चिकना कर देते। वैसे चिकनी है, हल्का टेढ़ी है पर मजबूत बहुत है, तो इस वजह से इसको हमने ऐसे ही पड़ा रहने दिया है। अगर मिट्टी वगैरह बचेगी तो फिर इसको भी चिकना कर देंगे, और नहीं तो फिर चिकनी तो वैसे है ही, केवल हल्की सी टेढ़ी है पर कोई बात नहीं है, जैसी है मजबूत है। पर तो यहाँ पर हमने फेनी लगा दिया है और अब कर देते हैं लिपाई। तो दोस्तों ये लिपाई जो है केवल गोबर से करेंगे, इसमें गेरू लाल मिट्टी जो है नहीं डालेंगे, क्योंकि लाल मिट्टी डालने से ये होता है ये जब जानवर चरने जाते हैं तो उनका हरा कलर कुछ ज़्यादा ही गोबर में होता है, तो गेरू का जो मिट्टी का लाल रंग होता है तो हल्का काले टाइप में भद्दा सा हो जाता है इस वजह से। और ऊपर से जो है मिट्टी, हमने ये फर्श जो है अभी हमारी सूखी नहीं है तो इस वजह से यहाँ पर केवल गोबर से लिपाई कर देंगे, और जब सूख जाएगा तब बढ़िया अच्छे से जो है लाल मिट्टी मिला करके करेंगे, तब देखना बहुत ही प्यारा लगेगा हमारा कमरा। तो यहाँ पर अभी सिंपली ऐसे ही लिपाई कर देते हैं, और इधर साइड की दीवार जो है हमारी चिकनी थी तो यहाँ पर ज़्यादा नीचे ही हमने मिट्टियाँ लगाई थी, मिट्टी थोड़ी सी, बाकी ऊपर लगाने वाला था नहीं, कहीं कहीं थे गड्ढे तो वहीं पर हमने लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों लिपाई हो चुकी है, और आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, जितने भी हमारे साथी हैं पूरा वीडियो देखा करें, थोड़ी सी मदद करें, और
वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर लिया करें। जो भी भाई भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ सपोर्ट मिल सके दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लिपाई भी हमारी हो चुकी है और बारिश, हम अंदर काम कर रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी, दो तीन बार बारिश होकर के आज सारे दिन में चली गई है। बस ज़्यादा नहीं बरसता है, बस इतना ज़्यादा बरसता है कि बस खाली कपड़े गीले हो जाएं बस, यानी कि कोई काम अगर बाहर कपड़े वगैरह पड़े हैं तो वो पड़े ना रहें, इतनी बारिश हो जाती है। तो देखिए और इधर साइड में जो दीवार दिख रही है तो इधर वाली भी चिकनी थी, इस वजह से थोड़ी थोड़ी पतली पतली जहाँ पर हल्का सा था वहाँ पर लगा दिया है, बाकी नहीं लगाया। तो देखिए कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और जब इसको हम चूने वगैरह से इसको जो है हम पुताई कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पहले जो है लालटेन वगैरह रखी हैं हमारे यहाँ, यानी कि इसमें ही इससे जलाई जाती थी, तो जब से मिट्टी का तेल गया तब से समझ लीजिए ये सारी चीज़ें बेकार ही रखी हुई हैं। और यहाँ पर पुताई लिपाई करने के बाद में आ गए थे तो ये बर्तन वगैरह धुल के रख देंगे, क्योंकि तसला और ये बाल्टी भर गए थे तो इनको धुल के मांझ के रख दिया। और यहाँ पर भी थोड़ी साफ़ सफाई कर देंगे, जो मिट्टी हो गई थी, गोबर हो गया था कट्ठे पर, तो उसको भी हमने साफ़ कर दिया है। और ये बाबू, इनको देखिए नहलाया था सुबह, ये नहाए हुए लग रहे हैं। हम अगर कोई काम मिट्टी वाला करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा काम यानी कि करने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो इनको भी हमने धुल दिया इनके हाथ पैर। और कपड़े नहीं बदले क्योंकि अभी इनको खेलना है, और फिर से ये बारिश भी हो रही है तो इधर उधर करते रहेंगे। और उसके बाद में तुरंत ही हम लग गए थे आकर के यहाँ पर रोटियाँ बनाने, खाना। तो आज भी हमने जो है परसों बनाया था नारी की सब्ज़ी और आज भी बनाया है, आज हमने आलू नहीं डाली हैं। तो रोटी और सब्ज़ी बना लिया है और खाना बनाने के बाद में तुरंत ही लग गए थे क्योंकि आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इन कामों में सारा दिन लग जाता है तो फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो तुरंत ही लग गए थे रोटी बना करके चौका पुताई करने में, और बर्तन अभी नहीं धुले हैं, उनको बाद में धुलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करेंगे एंड, वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक जाते जाते ज़रूर कर देना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर लिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करिए। और इसी के साथ वीडियो को करेंगे एंड, हमारे माता पिता बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो देखिए चौके की पुताई भी हो गई है।